चलते हैं फिट इंडिया कार्यक्रम है विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। डिप्टी सीएम रिया कुमारी शिरकत कर रही हैं, तस्वीरें देखिएगा। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इनके अलावा डिप्टी सीएम रिया कुमारी शिरकत कर रही हैं फिट इंडिया जिसे लेकर के कार्यक्रम का आयोजन जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में किया गया है और रिया कुमारी बतौर अतिथि पहुंची है कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, क्योंकि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से ही विजेता वो रही थी मतदान में और जब हुआ था तो फिर जीती थी, वहां से जीत दर्ज की थी रिया कुमारी ने और फिर एक रिकॉर्ड भी रिया कुमारी के नाम रहा क्योंकि सर्वाधिक वोटों से जीत रिया कुमारी ने हासिल की थी। और विद्याधर नगर देखिए लगातार पहुंचती भी आई हैं, कई बार उन्हें देखा गया है कंबलों का वितरण करना हो या फिर लोगों से मुलाकात करने के सिलसिला हो या फिर जन सुनवाई का कार्यक्रम हो। अब ऐसे में फिट इंडिया की मुहिम जो केंद्र सरकार ने चलाई है इसी को बल देने के लिए पहुंची है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास फिट इंडिया मुहिम केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसलिए आज से कार्यक्रम बताइएगा कार्यक्रम में क्या कुछ अभी चल रहा है और कौन कौन पहुंचा है शिरकत करने के लिए। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम रिया कुमारी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में फिट इंडिया कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने पहुंची हैं डिप्टी सीएम रिया कुमारी शिरकत कर रही हैं। उनका मंच पर स्वागत किया गया है और गुलदस्ता भेंट कर रिया कुमारी का स्वागत किया गया है विद्याधर नगर स्टेडियम जहां फिट इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और देखिए फिट इंडिया नाम के मुताबिक ही ये कोशिश लगातार है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार, साथ ही साथ बीजेपी के अन्य नेता साफ कर चुके हैं कि फिट इंडिया की मुहिम जो चलाई है कोशिश यही है कि हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे और पहला सुख निरोगी काया के वाक्य को अमल में लाया जाए ताकि हर व्यक्ति फिट रह सके, योगा के महत्व को समझा जा सके। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जानकारी दीजिएगा फिट इंडिया कार्यक्रम का क्या मकसद है, डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं और कौन कौन वहां मौजूद है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सोच है फिट इंडिया, यानी कि युवा जो है वो फिट रहे, उसके लिए लगातार अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। उसी आयोजन के तहत आज साई की तरफ से, भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से पूरा सप्ताह फिट इंडिया सप्ताह का आयोजन किया गया था सभी जगह पर, सभी स्कूलों के अंदर उसके तहत आयोजन किए गए थे, अलग अलग एक्टिविटीज की गई थी। उसका आज समापन समारोह राजधानी जयपुर के अंदर विद्याधर स्टेडियम जो है वहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण का जो स्थानीय यूनिट है यहाँ पर, वहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें डिप्टी सीएम जो है रिया कुमारी जो है वो मौजूद है, सांसद रामचरण बोहरा मौजूद है। ये पूरे राजस्थान के और खासतौर पर जयपुर के अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट जिन्होंने अलग अलग भागीदारी की वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साथ में एक मैसेज दे रहे हैं कि युवाओं में खेल के प्रति कितनी जागरूकता है और अगर हर व्यक्ति हर बच्चा खेल की तरफ आकर्षित होगा तो उसका भविष्य आगे कितना उज्जवल होगा। तो ये आज का आयोजन है वो इसी बात को लेकर के है कि युवाओं में खासतौर पर बच्चों में खेल को बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उसी के लिए आयोजन किया जा रहा है। जी विकास जानकारी दीजिएगा, चूंकि आपने भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, इसी लिहाज से फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विकास अभी क्या कुछ कार्यक्रम में चल रहा है और फिट इंडिया के नारे को मुकम्मल तक लाने के लिए क्या क्या कोशिश नवाचार आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चों में छोटे बच्चे स्कूली बच्चे हैं उन बच्चों में अलग अलग परिस्थितियां जो है वो कार्यक्रम में दी जा रही है। उसके अलावा जो अलग अलग जगह से जो यूनिट प्रभारी आए हैं साथ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जो कोच है वो अपना प्रेजेंटेशन जो है इस कार्यक्रम में दे रहे हैं, साथ में कुछ मैसेज दे रहे हैं कि युवाओं को, स्कूलों को, प्रबंधन को कि किस तरह से स्कूल में बच्चों में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है उसको बढ़ाई जानी चाहिए। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो युवा होने पर जब वो बड़े होंगे तो उनको एक देश को अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, अच्छा खेल जो है उसका प्रदर्शन करेंगे और भारत का नाम देश दुनिया के अंदर रोशन करेंगे, यही वो सोच है। इसलिए फिट इंडिया
का एक आयोजन जो रखा जा रहा है, जिसमें एक तरफ जहाँ पे बच्चे फिट रहे हैं, दूसरी तरफ वो खेलों के प्रति आकर्षित भी हो रही। दोनों सोच के साथ में ये फिट इंडिया वीक का आयोजन किया जा रहा है और इस वीक का समापन समारोह है जो की विजयनगर स्टेडियम हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिया कुमारी जो है वो मौजूद है, उप मुख्यमंत्री है, उसके साथ में सांसद रामचंद्र बोरा है, खेल प्रमुख सचिव खेल जो है पृथ्वीराज वो कार्यक्रम में मौजूद है। जो अलग अलग प्रस्तुतियां हैं उनको देख करके बच्चों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। जी विकास, उत्साहवर्धन की आप बात कर रहे हैं तो क्या उत्साहवर्धन के लिहाज से पुरस्कारों का भी वितरण किया जा रहा है? देखिए अभी तो पहले जो बच्चे हैं उनकी प्रस्तुतियां होगी, उसके बाद में अलग अलग आयोजन जो है वो कार्यक्रम में किए जाएंगे। जी विकास, डिप्टी सीएम रिया कुमारी शिरकत कर रही हैं और लगातार फिट इंडिया के महत्व को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की मुहिम। शुक्रिया विकास आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।